पर जितने भी हमारे खायदीन हैं वो लोग चुप बैठे रहे, रिजर्वेशन के नाम पर कुछ आवाज नहीं उठाए। अभी समझो ओकेलिगा समुदाय का भी रिजर्वेशन था, लिंगायत समुदाय का भी रिजर्वेशन था, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको बढ़ोतरी के लिए आवाज उठाई। हमारे मुस्लिम खायदीन कहाँ गए थे? वो आवाज उठाना था, वो अगर आवाज उठाए रहते तो हमारा आज यह हालत नहीं होती थी। जो पार्टी के सरबराह आने होने वाले मुख्यमंत्री साहब भी इस पर ज्यादा जोर दिए हैं और वो खुलकर ऐलान किया है किसी का छीन कर किसी को देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। लोग मुसलमान इलाकों में भी जाकर देख लें तो मुसलमान को आज ये पढ़ने के लिए, मुसलमान बच्चों को पढ़ने के लिए भी तकलीफ है। अब ये जो अंदर से चल रहा था अभी बाहर निकल के आया है, क्लियरली बॉयकॉट मुस्लिम्स इन द रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन हमारा कैंसिल किया गया है, स्क्रैप किया गया है, यह सरासर बहुत गलत है। सर ये जो बीजेपी की हुकूमत बम्बई जी की सरकार ने जो PCM 2B रिजर्वेशन को जो हटाकर मुसलमानों को रिजर्वेशन के बाहर निकाला है ये सरासर नाइंसाफी है। जबकि सबको मालूम है, सारे हिंदुस्तान में सबको मालूम है मुसलमान की हालत क्या है, इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, एजुकेशन में हो, मुसलमान आज सारे हिंदुस्तान में मुसलमान की कमजोरी है। ये मैं नहीं है, साचार कमेटी की एक रिपोर्ट है, 2011-12 में इम्प्लीमेंट हुई साचार कमेटी की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट को अगर हम लोग मान लें, देख लें, हकीकत में अगर हम लोग मुसलमान इलाकों में भी जाकर देख लें तो मुसलमान को आज ये पढ़ने के लिए, मुसलमान बच्चों को पढ़ने के लिए भी तकलीफ है। हाँ, सोशली इकोनॉमिकली भी वो लोगों की हालत बहुत ख़राब है, कौम की मिल्लत की हालत बहुत ख़राब है। हाँ, उसके साथ साथ उनके इलाकों में कोई अच्छाई या वेलफेयर स्कीम नहीं होती और उनके इलाकों में, और दूसरी बात क्या है, वहाँ पर हालात भी बदलने की कोशिश नहीं होती। अब सबको मालूम था जब से ये 2014 से बीजेपी की हुकूमत जब से आई है सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को अलग अलग अंदाज से, अलग अलग हिसाब से टारगेट कर रहे हैं। ये सब जगह चल रहा है, बॉयकॉट मुस्लिम्स बिजनेस, हाँ, बॉयकॉट मुस्लिम एरियाज, ये सब लगातार चल रहा है। अब ये जो अंदर से चल रहा था अभी बाहर निकल के आया है, क्लियरली बॉयकॉट मुस्लिम्स इन द रिजर्वेशन सिस्टम। अब इससे पहले क्या होता था, शहरों के बच्चे, शहर में जो बच्चे पढ़कर बड़े होते हैं वो कभी भी गवर्नमेंट नौकरियों में यहाँ वहाँ इंटरेस्ट नहीं लगाते थे 90%। अब रूरल एरिया में जो बच्चे पढ़ के आते थे उनको गवर्नमेंट नौकरियों में इंटरेस्ट, जॉब रहता था, जॉब करने के लिए उनको इंटरेस्ट रहता था। अब क्या हो गया, 4% डायरेक्ट हटाकर 10% EWS में डालने की वजह से अब वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हो गया। अब वहाँ पर तकरीबन 300 कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी मतलब 300 कैस्ट हैं वहाँ पर ऑलरेडी। अब उसमें मेजर कैस्ट है हमारे ब्राह्मण भाई, लिंगायत दूसरे कम्युनिटी के, जैन भाई, ये सब वहाँ पर हैं। अब वहाँ पर हमारी कौम को हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतना, कम्युनिटी के एजुकेशन सिस्टम में इतना अवेयरनेस भी नहीं है और इतना प्रोग्रेसिव भी नहीं है। वहाँ पर EWS में जाके हमारे बच्चे कॉम्पिटेट करके वहाँ पर रिजर्वेशन में आएंगे ये बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर तैयारी करने के लिए और 8-10 साल लग जाएंगे। जो भी हुआ है ये सरासर गलत हुआ है और नाइंसाफी हुई है, ये मुसलमान कौम के जलते हुए सीनों पर ये नमक छिड़कने का काम हुआ है। सबसे पहले मुस्लिम लीडर्स की जिम्मेदारी क्या है ये सबसे पहले मुस्लिम लीडर्स समझना। मुस्लिम लीडर्स जब असेंबली में इलेक्ट होकर जाते हैं ना तो कौन सी भी पॉलिटिकल पार्टी से जाएं, कहां से भी जाएं, उनको सबसे पहले समझना है मैं कहां से, किस कम्युनिटी से बिलोंग करके आता हूं। देयर इज अ प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी, आप अपने नुमाइंदे को चुनकर डेमोक्रेसी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए भेजते हैं कि आप अपनी आवाम का, अपनी कम्युनिटी का
भला हो, भलाई की बात करें। मैं यही मुस्लिम कम्युनिटीज के लीडर को आज एक, मैं एक छोटा मोटा लीडर हूँ, लीडर भी नहीं, ये कौम और मिल्लत का कोई एक छोटा मोटा खिदमतदान हूँ, उनको सबको आजीजाना गुजारिश है मेरी, आज एक दूसरे की टांग खींचना छोड़कर एकजुट होकर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी मुस्लिम लीडर्स हैं उनको आज कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट में सोच कर आइंदा आने वाले नुकसान क्या हो सकते हैं, इसको कैसे इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब चीज़ों पे अभी से बैठकर प्लान तैयार कर कर हमें कुछ ना कुछ एक्शन प्लान बनाना पड़ता है। कि जो रिजर्वेशन हमारा कैंसिल किया गया है, स्क्रैप किया गया है, ये सरासर बहुत गलत है। मैं ये उम्मीद इन लोगों से कभी भी नहीं रखता था, ऐसा होता है करके, लेकिन ये बहुत सरासर गलत किया है इन्होंने। अभी जो हालात हैं, हमको 4% में हम खामोश नहीं बैठे रहना था। हम 4% की बजाय 6% या 8% या 10% हम भी अगर पूछते रहते हुकूमत से, तो वो हमारे लिए वो अगर बढ़ाने की कोशिश करते या नहीं तो कम से कम स्क्रैप नहीं करते थे। हमारे खाइदीन जितने मुस्लिम MLA MPs जो भी राज्यसभा मेंबर जितने भी हमारे खाइदीन हैं वो लोग चुप बैठे रहे, सब्सिडी के नाम अपना रिजर्वेशन के नाम पर कुछ आवाज़ नहीं उठाए उन्होंने। अभी समझो ओकेलिगा समुदाय का भी रिजर्वेशन था, लिंगायत समुदाय का भी रिजर्वेशन था, उसके बावजूद भी उन्होंने उसको बढ़ोतरी के लिए आवाज़ उठाई। हमारे मुस्लिम खाइदीन कहाँ गए थे? वो आवाज़ उठाना था उन्होंने, वो अगर आवाज़ उठाए रहते तो हमारा आज यह हालत नहीं होती थी। हम जिस चीज़ को मामूली समझते रहे वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आज एक बच्चा डॉक्टर बनने के लिए, एक बच्चा इंजीनियर बनने के लिए, एक बच्चा IAS KS करने के लिए अगर 4% में हमारा 100 में 4 बच्चे भी अगर मिल जाता तो हमारे कौम और मिल्लत के लिए बहुत बड़ा एक फ़ायदा होता। ये फ़ायदे का बहुत बड़ा हमारा ऊपर बहुत बड़ा ठोस नुकसान हुआ है। जनता दल सेक्युलर से हम पहले वाहिद एक पार्टी की तरफ से हमारा एक कल धरना हुआ, आज तक कोई धरने पे रोड पे नहीं आए कोई पार्टी वाले, हमारा धरना हुआ। हमें राज्य अध्यक्ष जो हमारे स्टेट के सदर है जनाब CM इब्राहिम साहब की एक सदारत में हम एक कल बहुत बड़ा धरना किया है फ्रीडम पार्क में, और हम उस पर बहुत सारे जोर भी लगाए हैं और हुकूमत को काफ़ी हम जोर भी दिए हैं उस पर हम ज़्यादातर मेहनत भी किया है, और हमारा आगे भी स्टैंड इसी तरह रहेगा। और कुमाराना साहब भी हमारे जो पार्टी के सरबराह आने होने वाले मुख्यमंत्री साहब भी इस पर ज़्यादा जोर दिए हैं, और वो खुलकर ऐलान किया है किसी का छीन कर किसी को देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, अगर देना है तो आप दो, ये ऐसा नहीं है, लेकिन किसी का छीन कर किसी को देना ये नाइंसाफी है। ये पहले वो शख्सियत हैं जो आवाज़ उठाई है, जनाब CM इब्राहिम साहब की सदारत में भी हम कल स्ट्राइक किया है, आने वाले दिनों में भी हम इसको आगे ऐसा ही बढ़ाते रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी करेंगे, तालुक लेवल में भी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल में भी इसको आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन गिमिक इधरली ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಲೆಟ್ರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಇದನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಲೆಟರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂಬರ್ ಒನ್. ನಂಬರ್ ಟು, ಇದನ್ನು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಇದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು OBC ಕಮಿಟಿಯ ಯಾವ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇವರು ಮಾಡಿರೋದು ಮೊದಲ ಎರಡನೇ ತಪ್ಪು. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, BJP ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಟ್ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವರು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗಿಮಿಕ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಿಮಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದು ಕಿತ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಕ್ಕಲಿಗರು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಏನು 4% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದನ್ನು ಒ ಬಿ ಸಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಸೇಮ್ 4% 2% ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೇನು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಈ 4% ದೇವೇಗೌಡ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು